नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने आई हूँ। खाने में मज़ेदार है और बनाने में बहुत आसान है। करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने देखिए कुछ खड़े मसाले लिए हैं। लहसुन है, टमाटर है, हरा मिर्च है, प्याज है। यहाँ पर हमने कुछ हरे मसाले ले लिए हैं। हमने इनको मिक्सी में एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट। जो मैंने टमाटर लिए थे 3 मीडियम साइज़ के, उसके भी मैंने पेस्ट बना लिए हैं। ये लौकी हमारी 500 ग्राम है, इसको मैंने धोने के बाद अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। हमें महीन ग्रेटर से इसको ग्रेट करना है, ज़्यादा मोटे से नहीं करना है। हमें अच्छे से इनको हाथ के बीच में रख के एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा पानी हमें फेंकना नहीं है, ये बाद में काम आ जाएगा, मैं बताऊँगी आपको। यहाँ पर मैंने एक प्याज काटा है मीडियम साइज़ का बारीक, और मैंने 1.5 हरी मिर्च डाली थी। आप अपने हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े चम्मच से 2 चम्मच बेसन डाला है, हल्का सा गरम मसाला, हल्की सी धनिया डाली है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है, और मैंने बिल्कुल हल्का सा लाल मिर्च डाला है। हमने ग्रेवी में भी मसाले इस्तेमाल करने हैं, इसीलिए हमें कोफ्तों में कम मसाले इस्तेमाल करने चाहिए, नहीं तो बहुत हार्ड मसाले हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे बेसन कम लग रहा था तो मैंने बेसन फिर से डाल दिया है। ये कोफ्ते हमारे इतने सॉफ्ट बने थे कि एक बार मुंह में जाते ही घुल जा रहे थे। एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। बेसन हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बेसन कम लगे तो फिर हम दोबारा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे कोफ्तों की बॉल्स बनाने के बाद में मैंने इनको गर्म ऑयल में डाल दिया है। देखिए कितनी आसानी से पलट जा रहे हैं। हमें 2 या 3 मिनट बाद पलटने हैं, डालते के साथ में तुरंत नहीं पलटने हैं, इससे हमारे कोफ्ते फूटने लगेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और जब तक ये कोफ्ते हमारे गोल्डन हो रहे हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे कोफ्ते इस तरीके से हो गए। मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था इसमें, मैंने उतना ही तेल डाला था जितने में ये हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो सके। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, आप खुद देखिए, मुँह में जाते ही एकदम से घुल जाने वाले कोफ्ते हमारे। यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। यहाँ पर मैंने देखिए तेज पत्ते डाल दिए, ये दोनों हमारे अच्छे से हो गए। यहाँ पर जो मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया था वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। हम लोग हमेशा परेशान होते हैं कि रेस्टोरेंट का बहुत बढ़िया सब्ज़ी है, रेस्टोरेंट का बहुत बढ़िया सब्ज़ी है। बस थोड़ा सा ट्रिक हमें चेंज करना है, रेस्टोरेंट वाले भी आके पूछेंगे कि आपने ये किस तरीके से बनाया है, सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी। यहाँ पर जो मैंने टमाटर आपको दिखाए थे वो मैंने मिक्सी में पीस लिए थे, उसके बाद देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। बस थोड़ी थोड़ी बातों का, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला, और ये हमारा है कस्तूरी मेथी, हल्दी पाउडर। यहाँ पर जो मैंने आपको सारे मसाले बताए हैं वो सारे मैंने मसाले डाल दिए हैं। हमें कस्तूरी मेथी डायरेक्ट तेल में नहीं डालनी, इससे कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमें मसालों में ही डालना है इसको, मसाले के साथ में। जिस तरीके से मैंने बताया एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। यहाँ देखिए मैंने फ्रेश बिल्कुल मलाई ली है, ये 3 चम्मच है बड़े चम्मच से, बिल्कुल फ्रेश मलाई है, ये पैकेट वाला नहीं है। मैंने अच्छे से इनको सबको डाल के भून लिया है मसालों में। मैंने इनको 5 मिनट धीमी आँच पर पकाया है। हमें मसाले हमेशा हल्की आँच पर पकाने चाहिए, जिससे मसालों की महक गायब ना हो। ये देखिए हमने जो मलाई डाली थी वो भी तेल छोड़ने लगी है, हल्का देखिए किनारे किनारे सब घी जैसे निकलने लगा है। और ये मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। ये जो देखिए मैंने लौकी का पानी जो एक्स्ट्रा बचा के रखा था वो हमने इसी में इस्तेमाल कर लिया है, इसकी ग्रेवी में। ग्रेवी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं लगाई है। मैंने बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आपको ये लौकी को कोफ्ते बना के दिखाए हैं, जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये कोफ्ते आपको बना के दिखाए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिए। जो मैंने देखिए कोफ्ते फ्राई करके रखे थे, मेरा जब एक उबाल सब्जी में आ गया है ग्रेवी में तो मैंने कोफ्ते उसमें डाल दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए, कितना सुंदर इसका कलर आया है। और मेरा वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। मेरे वीडियो में इसी तरीके से आप लोग बने रहिए। ये देखिए हमारे कोफ्ते बनके बिल्कुल तैयार हो गए। वीडियो फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।